ये स्टूडेंट आज हम 11वीं ध्रुव में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। एन ए बराबर 2, एन बी बराबर 5। हमें पूछा है कि एन ए यूनियन बी में अवयवों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है कि जब ए के दोनों अवयव बी में होंगे, उस कंडीशन में ए यूनियन बी में जो न्यूनतम अवयव हैं वो 5 होंगे, और इस प्रकार ए यूनियन बी में जो हमारे अवयव होंगे वो हमारे 5 होंगे। जब ए और बी में सभी अवयव अलग अलग होंगे तब ए यूनियन बी में अधिकतम जो अवयव 7 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए दिया हुआ है हमें 1, 2, 3, 4, बी है 3, 4, 5, सी है 1, 5, 6। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सभी एलिमेंट, जबकि एक एलिमेंट केवल एक बार यूज होगा, तो ये होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन उभयनिष्ठ एलिमेंट है, जैसे 3, 4, 5, 1, 5, 6, तो 5 एलिमेंट कॉमन है, तो 5 हो जाएगा ए। अच्छा, हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी देखना था। ये जो हमारा बी इंटरसेक्शन सी आया है, इसका हम ए के साथ यूनियन करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5। ये गलत कर दिया हमने, ए के साथ यूनियन होगा 1, 2, 3, 4, 5। आफ्टर दैट ए माइनस बी, ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, 1, 2, 3, 4 हैं, 3, 4, 5, 3, 4 तो यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 1, 2 होंगे। बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट, जबकि एक एलिमेंट एक बार यूज होगा, तो 1, 3, 4, 5, 6, और ए माइनस ए के ऐसे एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n, तो 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। b बराबर x सच दैट x बराबर 4n, n बिलोंग्स टू n, 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट। तो a इंटरसेक्शन b, इनमें कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, हम कॉमन एलिमेंट देखते हैं कि 12, 24, 36, 48 डॉट डॉट, या x सच दैट x बराबर 12n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a और b दो समुच्चय हैं तब a इंटरसेक्शन b यूनियन b, तो हम इसे कहेंगे कि यूनियन को हम इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरित करेंगे, इसे बोलते हैं हम संघ का सर्वनिष्ठ के ऊपर वितरण प्रगुण। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी का बी के साथ इंटरसेक्शन बी ही होगा। सातवें का फर्स्ट है, ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, बी बराबर 2, 4, 6, 8, सी बराबर 3, 5, 7, 8। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल 8 होगा, वो लिख दिया हमने। एल एच एस, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए के और बी के, ए में और बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 8। ए यूनियन बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 है, ए यूनियन सी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 है, आर एच एस है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 8। एक और दो से हम देखते हैं कि जो ए में है हमारा वही बी में हमारा, तो इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस। एक्स बराबर 1, 3, 5, 7, 9, वाई बराबर 1, 2, 3, 4, 5, एक्स माइनस वाई यूनियन एक्स, एक्स माइनस वाई का मतलब है एक्स के ऐसे एलिमेंट जो वाई में नहीं है, ये होंगे 7, 9 यूनियन। एक्स में क्या होगा हमारा 1, 3, 5, 7, 9, तो 1, 3, 5, 7, 9। दसवां क्वेश्चन है, यू बराबर 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट 20, ए बराबर 11, 12, 13, 14, बी बराबर 14, 16, 18, 20। ए डैश होगा ए के एलिमेंट जो, यू के एलिमेंट जो ए में नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बी डैश होगा यू के एलिमेंट जो बी में नहीं है, 11, 12, 13, 15, 17, 19। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में जो कॉमन है वो 15, 17, 19 होंगे। ए डैश यूनियन बी डैश, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ए यूनियन बी 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, और ए यूनियन बी का डैश जो यू के ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है, 15, 17, 19। ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है 14 होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब है यू के ऐसे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ए डैश 15, 16, 17, 18, 19, 20, और बी डैश 11, 12, 13, 15, 17, 19। ए डैश माइनस बी डैश 16, 18, 20, बी डैश माइनस ए डैश 11, 12, 13। आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।